अस्सलाम वालेकुम। आज का किस्सा है यजीद की मौत कैसे हुई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको यजीद की मौत कैसे हुई, करबला का बयान और यजीद की मौत कैसे हुई थी, करबला में कितने कत्ल हुए थे, इस आर्टिकल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। तो करबला की जंग क्यों हुई, करबला की जंग क्यों हुई, इमाम हुसैन को हो गया था ये इल्म। यजीद ने हुसैन को रोकने की योजना बनाई। 4 मई 680 ईस्वी सन में इमाम हुसैन मदीने में अपना घर छोड़कर शहर मक्का पहुँचे, जहाँ वह हज करना चाहते थे। लेकिन उन्हें यह इल्म हो गया था कि दुश्मन हाजियों की भेस में आकर उनका कत्ल कर सकते हैं। हुसैन यह कभी नहीं चाहते थे कि काबा जैसी पवित्र जगह पर खून खराबा हो, इसलिए इमाम हुसैन ने हज का इरादा बदल दिया और वह शहर कूफे की ओर चल पड़े। अचानक रास्ते में दुश्मनों की फ़ौज उन्हें घेर करबला ले आई, जिसके लश्कर के कमांडर जनाब हूर थे। रास्ते में हूर के लश्कर वालों को पानी खत्म हो गया और सब प्यास से बदहवास होने लगे, तो इमाम हुसैन ने अपने पास से दुश्मनों के लश्कर के ही नहीं बल्कि उनके जानवरों तक को पानी पिलाया। इसी इंसानियत को देख जनाब हूर इमाम हुसैन से मोहब्बत करने लगे और करबला के युद्ध में सबसे पहला इमाम हुसैन की तरफ से अपनी कुर्बानी दी। इमाम हुसैन ने करबला में जिस ज़मीन पर अपने खेमे यानी तंबू लगाए, उस ज़मीन को पहले उन्होंने ही खरीदा। यजीद अपने सरदार को भेजकर लगातार इमाम हुसैन पर दबाव बना रहा था ताकि हुसैन उसकी बात मान ले। जब इमाम हुसैन ने यजीद की शर्तें मानने से इनकार कर दिया तो दुश्मनों ने अंत में हुसैन के खेमों पर पानी जाने पर रोक लगा दी। अगर इसके आगे की कहानी आपको जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।